केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ 2024 की रणनीतियां तैयार करने के लिए तमाम विपक्षी दल जहां पटना में एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इन पर तंज कसा और कहा कि ये मीटिंग दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। दरअसल मायावती ने आज एक के बाद एक ट्वीट कर जहां विपक्षी दलों की एकता पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इन दलों में समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देशों में बहुजन के सशस्त्र हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में विपक्षी दलों पर तंज कसा और कहा, अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलाकर उठा रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। मायावती ने कहा, वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयासों से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरिवान में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक और साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएंगी।